नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुशांत सिंह केस में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सुशांत ने कोटक महिंद्रा बैंक में अपने अकाउंट की नॉमिनी अपनी बहन प्रियंका को बनाया था। कोटक महिंद्रा बैंक के इस अकाउंट की एफडी, म्यूचुअल फंड, निवेश सभी में सुशांत ने प्रियंका को नॉमिनी बनाया था। यही नहीं, सुशांत की एक चैट में भी सामने आया है जिसमें वो पर्सनल बैंकर से चैट कर रहे हैं और किसी कागजात पर दस्तखत की बातें कर रहे हैं। तो ये इस वक्त की अहम खबर है जिस पर लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। किलाकोट मुंबई से विवेक गुप्ता हैं, एनसीबी दफ्तर से मुंबई से आनंद तिवारी जुड़ रहे हैं और लगातार जो ये चैट सामने आई है इस पर विवेक मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या क्या और इस चैट के जरिए बातें सामने आ रही हैं। प्रीति देखिए, इस पूरे मामले में हर रोज नई नई चैट, व्हाट्सएप चैट सामने आ रही है जिसमें जब नई चैट सामने आई है जिसमें वो कोटक बैंक के पर्सनल बैंकर जिसका नाम हर्ष बताया जा रहा है उससे वो चैट कर रहे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाले जो दस्तावेज न्यूज 18 इंडिया पर दिखाए जा रहे हैं उसमें सुशांत सिंह राजपूत का जो बैंक अकाउंट था कोटक बैंक उसमें बाकायदा जो नॉमिनी है वो और कोई नहीं बल्कि उनकी दिल्ली में रहने वाली बहन प्रियंका सिंह है। तो अपने आप में ये काफी बड़ी खबर है कि जो नॉमिनी है वो प्रियंका सिंह है, क्योंकि बार बार को लेकर जो श्रुति मोदी के वकील हैं अशोक सारोगी और जो फिर जो सतीश मानचंदे रिया चक्रवर्ती के वकील है वो कहीं ना कहीं ये बात का आरोप लगा रहे थे कि जो परिवार है वो सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस के पैसे को लेकर इस पूरे मामले को एक हत्या साबित करना चाहता है, जिसको लेकर सवाल भी खड़े हुए थे कि आखिरकार इंश्योरेंस में कितने पैसे हैं। जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि 20 करोड़ का शायद सुशांत सिंह राजपूत का इंश्योरेंस हो। अब इस पूरे मामले में जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो उनकी नॉमिनी थी सुशांत सिंह राजपूत ने अपने बैंक अकाउंट में जो भी उनके इन्वेस्टमेंट थे, जो सिक्योरिटीज थी, जो एफडी थी, उनमें उस पूरे दस्तावेज में और बैंक अकाउंट में उन्होंने नॉमिनी अपने जो फादर है के सिंह उनको ना बनाकर अपनी जो सिस्टर है विवेक उन्हें श्रुति मोदी जो पूर्व मैनेजर थी उनके वकील के जरिए कल एक बात सामने आई थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि उनके परिवार की तरफ से जानबूझकर इस मामले में कुछ लोगों को टारगेट किया जा रहा है। इस पर परिवार का कोई रिएक्शन? देखिए प्रीति, जब से श्रुति मोदी के वकील अशोक सारोगी और रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मानसिंदे ने यह आरोप लगाया है कि सुशांत सिंह का परिवार ये साबित मर्डर को इसलिए साबित करना चाहता है ताकि उन्हें इंश्योरेंस का पूरा पैसा मिल सके, इसके बाद से ही सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की तरफ से एक भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, ना ही उनकी बहनों ने बात की है, ना ही उनके वकीलों ने बात की है, ना ही उनके जो चचेरे भाई बिहार में रहते उन्होंने बात की है। माना जा रहा है कि आज शाम 7 बजे के आसपास वो सुशांत सिंह का जो वकील है, जो परिवार है, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं कि जिस तरीके से उनके ऊपर जो आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं उसके बारे में वो क्या कहें। लेकिन जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमारी भी निगाह रहेगी विवेक, इस बीच सुशांत केस में न्यूज 18 इंडिया को एक एक्सक्लूसिव जानकारी हाथ लगी है जो इस केस की तस्वीर को पूरी तरह से साफ करने में अहम रोल अदा कर सकती है। ग्राउंड जीरो पर लगी हमारी टीम को सुशांत की तीनों बहनों के बयान की वो कॉपी मिली है जो मुंबई पुलिस के पास थी और उस बयान में तीनों बहनों ने जिस तरह से सुशांत के साथ अपने रिश्तों का खुलासा किया, उसकी बीमारी के बारे में पुलिस को बताया, उसने एक तरह से रिया की पोल ही खोलकर रख दी है क्योंकि उस लिखित बयान में ये बात भी साफ हो जाती है कि सुशांत के अपनी बहनों के साथ अच्छे रिश्ते थे और सुशांत ने अपनी कोई भी बात घर वालों से नहीं छुपाई, यहां तक कि अपनी बीमारी के बारे में भी खुलकर बताया। सुशांत केस में बड़ी खबर सामने आई, न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी, सुशांत की तीनों बहनों के बयान की कॉपी मिली, ग्राउंड जीरो से मिली अहम खबर, बहनों के बयान में सुशांत की बीमारी का जिक्र, सुशांत की हर बात जानती थी उनकी बहनें, बहनों के बयानों ने खोली रिया की पोल। न्यूज 18 इंडिया सुशांत केस में इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर दे रहा है वो इस केस के उलझे हुए तारों को सुलझा सकता है, सुशांत के मामले में पड़े रहस्य के पर्दे को हटा सकता है। न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि सुशांत की तीनों बहनों ने मुंबई पुलिस को क्या बयान दिया था। न्यूज 18 को उस लिखित बयान की कॉपी मिल गई है जो सुशांत के तीनों बहनों नीतू, प्रियंका और मीतू ने मुंबई पुलिस को लिख कर दिया था।
न्यूज 18 इंडिया के पास सुशांत की तीन बहनों के वो बयान हैं, जिसमें सुशांत की जिंदगी के उन पहलुओं पर रोशनी पड़ती है जो अभी तक अटकलों के आसरे देखे जा रहे थे। सुशांत अपनी जिंदगी में कैसे थे, उनका फिल्मी सफर किन रास्तों से होकर गुजरा और वो अपने फिल्मी जीवन के दौरान कैसे और किस दौर से होकर गुजर रहे थे। इस लिखित बयान में सुशांत की तीनों बहनों ने बाकायदा उनकी बीमारी का भी जिक्र किया है। बहनों के बयान में छुपा सुशांत की जिंदगी का हर राज, बयान में फिल्मों की कामयाबी का खुलासा, सुशांत के डिप्रेशन और एंजाइटी का जिक्र, सुशांत के दवा लेने का भी किया गया खुलासा 2013 में बीमारी की गिरफ्त में होने का जिक्र। न्यूज 18 इंडिया के पास सुशांत की बहनों नीतू, प्रियंका और मीतू के बयान की एक्सक्लूसिव कॉपी के मुताबिक सुशांत ने 2013 में पहली बार अपनी परेशानी और बीमारी होने की बात का जिक्र अपनी बहनों से किया था और सुशांत डिप्रेशन में हैं और एंजाइटी की दवाओं का सेवन कर रहे हैं। इसकी जानकारी सुशांत के पूरे परिवार को थी, यानी ये ऐसी बात है जिसको लेकर अभी तक कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन न्यूज 18 इंडिया उन कयासों पर विराम लगाते हुए उस सच को सामने लाया है जिससे पता चलता है कि सुशांत की जिंदगी कितनी खुली किताब थी, कम से कम उनके परिवार के सामने। इतना ही नहीं, तीनों बहनों के बयान से ये भी साफ हो जाता है कि सुशांत के अपनी बहनों और परिवार के लोगों के साथ कैसे संबंध थे, क्योंकि रिया के बयान से एक गफलत की हालत बन गई थी कि हो ना हो सुशांत और उनके परिवार के बीच के रिश्ते ठीक नहीं थे। पुलिस को दिए लिखित बयान में सुशांत की बहन मीतू और नीतू ने बताया था कि उनकी मौत से कुछ रोज पहले ही सुशांत से उनकी तबीयत के बारे में कम से कम 4 बार बात हुई थी। इस जानकारी के सामने आने के बाद अब तस्वीर और भी साफ होने की उम्मीद की जा रही है। इस बीच दिल्ली से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि सुशांत की तीन बहनों ने अपने वकील विकास सिंह से दिल्ली में उनके घर पर मुलाकात की। सुशांत की बहन नीतू, मीतू और प्रियंका एक साथ विकास के घर पर सुबह करीब 10:30 बजे पहुंची। तीनों बहनों और विकास सिंह के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। इसके बाद तीनों 11 बजे वहां से निकल गई। सुशांत की तीनों बहनों ने दिल्ली में अपने वकील से मुलाकात की। सूत्रों से पता चला है कि तीनों बहनों ने न केवल केस से जुड़े मामलों पर सलाह ली है बल्कि आगे की रणनीति पर भी चर्चा की है ताकि अटकलों के बाजार पर विराम लग सके। अंदर से खबर मिली है कि सुशांत की तीनों बहनें रिया के बदलते बयानों से बेहद खफा हैं। तीनों बहनों का ऐसा मानना है कि रिया अपने आप को बचाने के लिए सुशांत पर कीचड़ उछाल रही है। ऐसा अंदाजा है कि इस अहम मुलाकात के दौरान तीनों बहनों और वकील के बीच सुशांत केस में आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। और इधर सुशांत सिंह के पिता के वकील अरुण वरुण सिंह ने दावा किया है कि अपनी शिकायत में उन्होंने कभी भी ड्रग्स का जिक्र नहीं किया था, लेकिन जांच में जो ड्रग्स की बात सामने आई है जांच एजेंसी उसका पता लगा लेगी। वहीं सुशांत के 14 करोड़ के लाइफ इंश्योरेंस के मामले पर जबरन परिवार को बदनाम किए जाने पर उन्होंने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। तो एक बार फिर से आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी बता दें।